बंगाल के राज्यपाल ने लौटा दिए वर्ल्ड कप मैच के टिकट, कालाबाजारी के आरोपों के बाद लिया फैसला। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज वर्ल्ड कप का मुकाबला ईडन गार्डन्स में होना है। इस मैच की टिकटों की बिक्री और कालाबाजारी की कई शिकायतें दर्ज की गई थीं। ऐसा होने के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बड़ा फैसला लेते हुए आयोजकों द्वारा राजभवन को दिए गए सभी कंप्लीमेंट्री टिकटों को वापस कर दिया है। उन्हें टिकटें बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन CAB द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। इसको लेकर एक अधिकारी ने PTI को बताया, राज्यपाल ने CAB को टिकट लौटा दिए हैं। उन्होंने राजभवन में एक जनता स्टेडियम खोलने का फैसला किया है, जहां लोग विशाल स्क्रीन पर मैच देख सकेंगे। यहां लोगों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। राजभवन लॉन में प्रवेश के लिए फैंस ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। अधिकारी ने बताया कि राजभवन शिकायत प्रकोष्ठ को रविवार के मैच के टिकटों की कालाबाजारी की कई शिकायतें मिलने के बाद राज्यपाल का फैसला आया। पुलिस ने कहा कि 1 नवंबर से अब तक टिकटों की गैर कानूनी बिक्री के आरोप में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे ही लगातार खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए B2B न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि पल पल की खबर आप तक पहुंचे। धन्यवाद।